कारण की सी सानू डीसी नू मेमोरेंडम देना पैंदा सिखां दी पार्लीमेंट होवे सिखां दी नुमाइंदा जमात दा प्रधान होवे ते जाके लिलकड़ियां कढे जाके डीसी दियां कि आ लै लो जी साडे को ते साडा मंग पत्र अगले पासे दो की गल डायरेक्टली गल क्यों नहीं हो रही। मैं दसदा है कि जदों मित शाह जी नू चिट्ठी लिखी आ श्रोमणी कमेटी ने मोदी जी नू लिखी आ चिट्ठी श्रोमणी कमेटी ने सानू टाइम दिओ सानू नहीं टाइम दित्ता उहनां नूं कारण इहो बेईमान जदों कोई बेईमान ही हो जांदी आ कोई सरकार बेईमान हो जाए कोई वायदे तो भाजे कोई वायदा खिलाफी कर जाए मरे तो मुकरे का की इलाज दसो मैं पहला मरे तो मुकरे आप आम परे चाहते होंगे कि मरे तो मुकरे का की इलाज जो उन्होंने तो आने भी सू भाग साड़ी गल सुनो वो गल सुनू तैयार नहीं गए गल तो सुननी चाहिए है गल तो हर एक की सुननी चाहिए भावें कोई छोटा भावें कोई व्डा ही तो सिखा की सरमौर संस्था और गल सुननी चाहिए। कालका साहब हो गए सिरसा साहब हो गए तो अपने से हूँ वक्रे हो गए तंज कसते हो कहते कि बादल परिवार हथों कुर्सी खुस गई आता करके उन्होंने ये चीज़ लग रही है कि लगता तो कोई सच्चाई हैगी नहीं वेखो पहले श्रोमणी अकाली दल जिहड़ा ना वो बड़िया कुर्बानियों तो बाद बनया अज हो सकता भी उन्होंने जी कमांड उन्हें बड़ा चिर की है उन्हें सेवा कर ली हो सकता अच्छ गांह सेवा कहीं होर मिल जाए उदों गांह सेवा के होर मिल जाए एक किसी की कोई जद्दी पुश्ती नहीं कई जरा सुखबीर सिंह बादल कह चुके भी श्रोमणी अकाली दल किसी की जद्दी पुश्ती जायदाद नहीं गए गई हो सकता है वो आने वाले टाइम कोई होर उत्थे प्रधान बन जाए होर सेवा करना पे पहला जहेदार मोहन सिंह तोड़ मैं छोटा जहा ही फिर सतंत्र झंस होनी आ गए जहेदार जगदेव सिंह तलवंडी आ गए और बरनला आ गया जो अं जोधपुर जेल से उस तो बाद बादल साहब आ गए ये तो एक चलती आ मतलब चलती सराज समझो चलती अपने जी गल जिन्हों खालसा पंथ तस्लीम कर लेंदा तो वह श्रोमणी अकाली दल का नुकसान बहुत होया जी आप हुण दी गल करिए पिछली इलैक्शन की गल करते हैं बड़ा वड्डा नुकसान से तीजे नंबर पर जाके डिगदे तीन क उन्होंने मैंबर मिलते पूरे पंजाब दे विचों ये नुकसान की भरपाई किवें होगी। देखो गलतियां हुई ने श्रोमणी अकाली दल की 10 साल सरकार रही आ उसे बड़िया वड्डिया कताइया हुई गलतियां हुई ने मनिया भी उन्होंने और गलतियां जड़ी हुई गलतियां करके जरा श्रोमणी अकाली दल धरातल से हश के ते आया गलती तस्लीम करना चाहिए जो अपने जो परिवार परे च गलतियां होंदिया ने तो मनते नहीं अपना मननी चाहिए सानू कि सातों गलती होगी इस कि गल और गलती वक्त सिर नहीं गई मनी गई जिदे करके श्रोमणी अकाली दल जरा है वह हाशिए तो आया है और गाए बगाए सूँ ये गल करनी पैनी है। विरोधी तंज यो ही कसते हैं ना मैं बार बार तो पूछ रहा विरोधी तंज यो कसते कि पहलों एस जी पी सी होर हिसाब में चलती सी तो अज एस जी पी सी बादलों अगे लिया की खातरे सारे टकवंजर च ये वेखो आ कोई तुम दसो भी अपने बंदी सिंह की रिहाई ही मंगते हैं मैं भी जोधपुर जेल च रहा 10 साल नहीं मंगी वो कहें कि जो सरकार से उदो नहीं मैं जोधपुर जेल च रहा 5 साल रहा 3 साल मैं अपने पंजाब दी हर एक जेल च रहा है बड़ा जुल्म तशद्दुद होया मुख्यमंत्री की कुर्सी मैं छड़ी आ सिखी की खातर लेकिन उदों भी तो बंदी सिंह की आवाज आई गल करती रही मुख्यमंत्री की कुर्सी मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी छड़ी आ जोधपुर जेल चो जो मेरी राजीव गांधी गल कराई गई थी के पी एस गिल विचोला से अर्जन सिंह विचोला से मुख्यमंत्री बन जाओ बिल्कुल वह मैं कहा काल तख्त साहब तो जे मेरे गल करनी है ना मेरे ना हरमिंदर सिंह संधु से एक जनरल सैकटरी बड़े सियाने से जे तो हाँ फैडरेशन गल करनी है तो राजीव गांधी को माफ़ी काल तख्त साहब तो मंगनी पैनी है तो के पी एस गिल मैं आता है तो जोधपुर जेल चो फुल जाने गुथलियाँ पै गए मैं कहा गिल साहब तुम झूठे गिल अभी भी गिल वैसे तुम थोड़ा जी गल दसद मैं हाँ तुम जाली गिल मेरे दादे ने गुरु के बाग का मोर्चा लड़िया संत करतार सिंह ने एमरजेंसी की लड़ाई कल संत ने लड़ी आ और भाई अमरीक सिंह ने काल तख्त लड़ाई लड़ी आ संत जरनैल सिंह ने लड़ी हमला हो गया अज सू तो हाँ सद्या उन्होंने सद के गल कर लेंदे जे सा तो पहला अं तो कोई लीडर नहीं सी उन्होंने नहीं जो उदो मेरी माँ ने गलती की तो मैं गलती की माफ़ी मंग ला और जो मैं ये गल् कही तो फुल आना ताे से जाने फुल तो भाई अमरीक सिंह ने कहे पाए आ संत जरनैल सिंह ने फुल कहे पाए ये छड़िए छोटे साहबजादे उत्थे चमकौर की गढ़ी शहीद होए डिगे पे से तो गुरु दसवें पातशाह कहा है तुम इन्होंने उत्ते थोड़ा खफड़ पा रहे हो वे सॉरी वे म माफ़ी मंगता व्डे साहबजादे उन्हें आख तुम खफड़ पा रहे हो उन्हें आख ना आ भी मेरे दूजे भी मेरे उन्हें आख्या पंथ वसे मौजना मन चाओ कनेरा तो मैं आख्या साढ़े फुल जाने नहीं गए तेन भुलेखा है फुल कदे जाते नहीं होंगे शहीदा के कदे कीरतपुर पेंदे जाके फुल संत जरनैल सिंह पे आ भाई अमरीक सिंह पे आ सतवंत सिंह केर सिंह पे आ फुल कदे पेंदे नहीं होते मैं हाथ झूठा कह ली उस तो बाद गल हो फिर फन चुक के जोधपुर जेल सत्ता फिर लै समझाई तो लालच देने कोशिश हुई मानते दसदा फिर मैं आने तो आया करो भी खालिस्तान की गल छड़ दो विद इन इंडिया सातों की मंगते जे मैं आख्या जी उत्तरी भारत के खिता देंगे साढ़े व्डियां कहा
कि तुहानू खता देंगे ना उदो मैं ही ना तुसी सी राजीव गांधी रुकिया उत्ते वो कहता मैनू इस गल का पता तुम डिफाइन करो मैं कहा डिफाइन का तो मैं भी पता नहीं पर 370 धारा जम्मू कश्मीर वाली जी उन्होंने दी सू दे और वो मन गए से 370 धारा देनी अकाल तख्त साहब तो माफ़ी मंगनी और पंजाबी बोलते इलाके देने नाल पंजाबी दा पानी का मसला हल करना मन गए।